अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर? थोड़ा टाइम लग गया इस फिर से वीडियो के लिए। तो आज जनाब इस टाइम मैं मौजूद हूँ पेंसिल्वेनिया के मॉल में। तो ये भी एक स्टेट है यूएस की। वैसे तो तकरीबन यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं छोटी बड़ी मिला के। लास्ट में मेरे ख्याल मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी डेलावेयर में, डेलावेयर के मॉल भी दिखाए थे आपको। डेलावेयर में आपको मैंने वहाँ पे एक जुमे के लिए भी मैं गया था, तो सारा वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। अच्छा, ये मॉल आज वैसे तो फ्राइडे है, तो नॉर्मली तो वैसे ये मॉल इतना ज़्यादा बिजी होता है, लेकिन आज मेरे ख्याल कुछ स्पेशल है। मेरे ख्याल शायद बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा स्लो है आज। अच्छा जी, तो मैं आपको थोड़ा सा इधर यहाँ पे दिखा देता हूँ मोस्टली मोटी मोटी चीज़ें क्या क्या इधर मौजूद है। इतना ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं है, इससे बहुत बड़े मॉल यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे ख्याल जो पिछला मॉल मैंने आपको डेलावेयर में दिखाया था वो इससे बहुत बड़ा था, लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेरे ख्याल आप थोड़ा बहुत मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर, इतना बड़ा नहीं है और आज तो वैसे मोस्टली खाली ही है। अच्छा, ये एक चीज़ देखने वाली है, ये है रफो फीडर्स। अच्छा, इसमें क्या है कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बड़ी एक दिखाने वाली है। इनके पास यहाँ पे ये आप देखें, ये मेरे ख्याल जो लोग तो के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं वो बता सकते हैं। ये मेरे ख्याल ये अफ्रीकन ग्रे है, वाइट वाला, और ये ब्राउन वाला। अच्छा, ग्रीन वाला ये देखो, लुक एट द साइज ऑफ दिस थिंग। खाना खा रहे हैं जनाब, अब हम आ रहे हैं इसके अंदर। यहाँ से आ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये वो आपको पीछे थोड़े नज़र आ रहे होंगे। ये जो है मीनार मकाव जैसा है, इसको बाद में मैं बल्कि अभी आपको मीनार, ये है मकाव, शिकार दूर है उधर से। ये जो है ये बेसिकली एक सेंचुरी है प्लेस। ये लोग काफ़ी ज़्यादा अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर था, बहुत ही ज़्यादा शोर था बल्कि। अब आप बल्कि मेरी आवाज़ मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर, बहुत बेहतर सुन सकते हो। ये जो ग्रे वाला है, मैंने उनसे दोबारा पूछा, जो ग्रे वाला है ये अफ्रीकन ग्रे है, ठीक है। ये बातें भी करते हैं और क्या? आपने देखा कैसा ज़बरदस्त, कितना बड़ा है ये, इससे भी बड़े हैं इनके पास, बहुत सारे हैं जो इससे भी बड़े होंगे। तो वो लेकिन ज़्यादा काफ़ी पीछे थे, तो उनको मैं आगे बुला नहीं सकता है, उनको कह नहीं सकता कि यार उनको आगे मैं देखना चाहता हूँ क्या उसका सिनेरियो, क्योंकि ये लोग मूव कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं हम लोग इसको फ्लोरिडा में मूव कर रहे हैं अभी। तो लसी के जी, फ्लोरिडा में इन्होंने बहुत बड़ा, मैंने सुना है कि इन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पे एक एकर्स में कोई जगह ली, मेरे ख्याल हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में जगह ली है, जहाँ पे ये लोग इनको एटमॉस्फेयर में, नेचुरल एटमॉस्फेयर में, इनकी नेचुरल इन्वायरमेंट में इनको वहाँ पर रखेंगे इसको। तो यह और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इनको आप ख़रीद नहीं सकते यहाँ से स्पेशली। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मोस्ट ऑफ द मकाउस जो होते हैं तकरीबन सारे ही बहुत महंगे हैं, मकाउस स्पेशली। कुछ जो हैं वो तो तकरीबन 8,000-10,000 डॉलर तक चले जाते हैं, कुछ जो बीच में आपको 15,000-15,000 के भी बच्चे मिलते हैं छोटे, यानी कि फुली ग्रोन
जो बल्कि जो बड़े मकाउज हैं, इन मकाउज इतने बड़े होते हैं कि फ्रॉम हेड टू टेल आप उसको कुछ मकाउज इतने बड़े हैं कि वो आप उनको हेड टू टेल तकरीबन समझ लें कि ऑलमोस्ट 4 फिट 5 फिट ये तो होते हैं, बहुत सारे हैं जो 4 से 5 फिट तक के। हायसिंथ जो है वो तकरीबन कहते हैं कि नेचुरली अगर देखा जाए उनको, क्योंकि वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है तो नेचुरल इन्वायरमेंट में बहुत कम वैसे पाए जाते हैं वो, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन ऑलमोस्ट 6 से 7 फिट तक भी हो सकता है फ्रॉम हेड टू टेल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। अच्छा जी, अब हम निकलने लगे हैं जनाब यहाँ से। तो अच्छा, जाते जाते मुझे वैसे बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट स्पेशली की है कि जो है आप थोड़ा बहुत गाना जो है वो व्लॉग के अंदर भी डाल दिया करें। मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। आहटे कैसी ये आहटे सुनता हूँ आज कल, ए दिल बता दस्तके देते हैं दस्तके क्यों अजनबी से पर, ए दिल बता कुछ तो है जो दिल घबराए, कुछ तो है जो सांस नाए, कुछ तो है जो हम कह दें तो हंसते हंसते मर जाए हम। हे आ हो हे रहे हा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं, और कोशिश कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।